नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास के काल विभाजन का आधार एवं उद्देश्य को जानेंगे। वैसे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो डालते हैं जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। और साइड में जो घंटी तो को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं। तो इतिहास के काल विभाजन का आधार एवं उद्देश्य। अब विभिन्न प्रकाशित अप्रकाशित रचनाओं के साथ ही साथ विद्वानों द्वारा तमाम आलोचनात्मक व शोधपरक ग्रंथों और रचनाओं व रचनाकारों का परिचय देने वाली अनेक कृतियों को भी काल विभाजन और नामकरण की आधार सामग्री के रूप में लिया गया। बी समग्र साहित्य को खंडों, तत्वों, वर्गों आदि में विभाजित कर अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में काल विभाजन सहायक। सी अंग उपांग तथा प्रवृत्तियों को समझने एवं स्पष्टता लाने के लिए आवश्यक काल विभाजन के आरंभिक प्रयास। 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला आदि जैसे कई ग्रंथों में हिंदी कवियों के जीवनवृत्त और रचना कर्म का परिचय देकर हिंदी साहित्य के इतिहास और कालक्रम को आधार देने के प्रयास किए जाते रहे हैं। भी किंतु हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन के आरंभिक प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास गार्सा द तांसी के इस्तवार द लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी, जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ हिंदुस्तान, मौलवी करीमुद्दीन के तज़किराए शुअराए हिंदी तबकातु शुआज तथा शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किए गए। सी गार्सा द तांसी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी को अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम इतिहास मानते हैं। डी प्रथम तर्कसंगत प्रयास सन 1934 में मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी मिश्र, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र एवं डॉक्टर शुभदेव बिहारी मिश्र द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। एक आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक। दो भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक। तीन रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक। चार आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं द्वारा अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद 1913 में तीन भाग तथा 1929 में चौथा भाग में हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित पांच भागों और उपभागों में बांटा गया है। एक आरंभिक काल पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 तक। उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 तक। दो माध्यमिक काल पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 तक। प्रौढ़ माध्य काल 1561 से 1680 तक। तीन अलंकृत काल पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 तक। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 तक। चार परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक। पांच वर्तमान काल 1925 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को ही अब तक सर्वाधिक प्रमाणिक और तार्किक माना जाता रहा है। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया है। एक वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक। दो भक्ति काल 1375
से 1700 तक। 3. रीति काल 1700 से 1900 तक। 4. गद्य काल 1900 से आगे। कोष्टक अकाल विभाजन को सर्वथा नवीन रूप तथा कालों की संख्या सीमित भी अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकृत स्पष्ट तथा तर्कसंगत काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्नानुसार किया है। 1. संधि काल 750 से 1000 तक। 2. चारण काल 1000 से 1375 तक। 3. भक्ति काल 1375 से 1700 तक। 4. रीति काल 1700 से 1900 तक। 5. आधुनिक काल 1900 से कंड आगे। कोष्टक अकेवल वीरगाथा काल को चारण काल कहा। शेष आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए विभाजन के ही अनुरूप भी वस्तुतः देखा जाए तो वीरगाथाएं चारणों द्वारा ही गाई जाती थी। सी. संधि काल में स्पष्टता का अभाव। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भाग में डॉ. गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी की मान्यताओं का सतर्क खंडन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। 1. प्रारंभिक काल 1189 से 1385। कोष्टक 2. मध्य काल पूर्व मध्य काल 1350 से 1600 तक। 4. उत्तर मध्य काल 1600 से 1857 तक। 5. आधुनिक काल 1857 से आगे। F. E. के द्वारा किया गया काल विभाजन। वृत्त संग्रहों को आधार मानकर कई अन्य विद्वानों ने भी काल विभाजन का प्रयास किया है। यहाँ F. E. के द्वारा किया गया काल विभाजन उल्लेखनीय है। 1. प्राचीन चारण काव्य 1150 से 1400 रक। 2. प्राचीन भक्त काव्य 1400 से 1550 तक। 3. कबीर के उत्तराधिकारी 1550 से 1750 तक। 4. आधुनिक काल 1800 से आगे। विभिन्न विद्वानों के विविध मत। भक्तिकाल और आधुनिक काल के संबंध में विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है। केवल वीरगाथा काल और रीतिकाल के नामकरण को लेकर ही कुछ आलोचकों को आपत्ति है। इन कालों के नामकरण के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। अब वीरगाथा काल सिद्ध सामंत युग राहुल सांप्रत्यायन आदिकाल डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी अप्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि। रीतिकाल कलाकाल रमाशंकर शुक्लम प्रसाद श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अलंकृत काल मिश्र बंधु आदि। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी।